आज देखते हैं क्या नया चल रहा है ऑफिस में। हेलो अमन सर। चलिए, हाय एवरीवन, कैसे हैं सर आप? बस एकदम बढ़िया मैडम। सर बताइए क्या नया चल रहा है ऑफिस में? आज मैम हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, हम डीपीपी को पूरे पैन इंडिया लेवल पे अपन आज लगा रहे हैं। सब जगह जाएगा हमारा डीपीपी कॉन्सेप्ट। आइए आइए आपको डिटेल दिखाता हूँ। तो मैम डीपीपी कॉन्सेप्ट पूरे पैन इंडिया लेवल पे इम्प्लीमेंट हो चुका है। देखिए सबसे पहली बात मैम, बच्चा मुझे एक चीज के बड़ा कंप्लेन करता था कि अमन सर मैथ्स में कॉन्फिडेंस कैसे लाएं, कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। आप बताइए बच्चों को कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? वो तो आप बताएंगे सर। मैडम देख, कॉन्फिडेंस तब आएगा ना जब बच्चा अपने चैलेंजिंग क्वेश्चंस, नए नए चैलेंजिंग क्वेश्चंस खुद करेगा। और मैडम वही है हमारा डीपीपी कॉन्सेप्ट। आइए आपको डिटेल में दिखाता हूँ। देखिए ये हमने एक नया कॉन्सेप्ट बनाया डीपीपी। अब जब भी बच्चे की क्लास खत्म होगी मैडम, तो बच्चे को सबसे पहले हर एक लेक्चर के बाद एक टारगेट दिया गया डेली प्रैक्टिस पढ़ो। यहाँ पे हमने जबरदस्त लेवल पे डिफिकल्ट और चैलेंजिंग क्वेश्चंस को डाला हुआ है। इसका मेन मोटिव ये है कि जब बच्चा क्लास खत्म करने के बाद रोज 10 क्वेश्चन करेगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, नए नए चैलेंजिंग क्वेश्चन तो खुद क्रैक करेगा, तो आप बताइए कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा? अब देखिए इसमें इसकी एक और बात है। यदि मैं बच्चों को कहूंगा लीजिए 900 क्वेश्चन की बुक कर लीजिए, बच्चा पैनिक कर जाएगा। हाँ, लेकिन मैं रोज स्टूडेंट्स को 10 क्वेश्चन लेक्चर की स्पेसिफिक, आज जो मैंने पढ़ाया उसके दरमियान 10 क्वेश्चन, रोज चैप्टर स्पेसिफिक नहीं है, लेक्चर स्पेसिफिक शीट है। तो बताइए 90 लेक्चर्स में रोज बच्चे ने 10 क्वेश्चन किए, कितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करे? 900 क्वेश्चन। अच्छा मैडम बता दूं, ये लास्ट बैच में जो हमारी मेन बुक थी उसके उपरांत इसके अलावा और ये हम 900 एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाने वाले हैं। इनका जो सोर्स है पूरी तरीके से रेलेवेंट, इस इंस्टीट्यूट की हिडन मटेरियल्स है जो कि अब इंस्टीट्यूट बच्चों को प्रोवाइड करना बंद कर चुकी है, जहां से पेपर के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, वहां से मैंने इन क्वेश्चंस को टैप किया है। सो आई एम वेरी मच श्योर कि जो पेपर्स आएंगे बच्चों को क्वेश्चंस बहुत ज्यादा फैमिलियर लगेंगे इन क्वेश्चंस को करने के बाद। और जब बच्चा इन क्वेश्चंस को खुद क्रैक करेगा तो कॉन्फिडेंस जबरदस्त लेवल पे उन पर आ जाएगा। ये प्रोग्राम अभी हमने हमारे वी स्मार्ट अकेडमी पुणे पर, जो हमारा फेस टू फेस क्लास चल रहा है, वहां पर हमने एग्जीक्यूट किया। बच्चों का जबरदस्त रेस्पॉन्स और उसी चीज को देख करके अब हमने इसको हमारे विजेता बैच, सफल बैच, सारे स्मार्ट क्लासरूम पर भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो बच्चे लाइव ले रहे हैं क्लास उनको भी शीट्स में एडवांस में भेज रहा हूं, ताकि हर एक क्लास के बाद वो अपने घर पर बैठ करके उस क्लासरूम एनवायरमेंट को फील कर सकें और रोज अपने 10 क्वेश्चन चैलेंजिंग क्वेश्चन को कर सके। सो दिस इज ऑल अबाउट माई डीपीपी मैडम। अच्छा इसके साथ साथ मैडम ये बैच इसलिए खास है मेरे लिए, कॉन्सेप्ट हैंडबुक भी मैं अब अपने नवंबर अटेम्प्ट वाले बच्चों के लिए इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ये आप बताइए, जब बच्चों को मैं कहता था कि सर रिवीजन करने में टेंशन हो रहा है, एग्जाम के एक दिन पहले बहुत टेंशन हो रहा है, मैं सोचता था इसमें क्या चैलेंज वाली बात है। अब स्टूडेंट ने कहा मुझे सर मेरे 7-8 रजिस्टर भरवा दिए मैथ्स के आपने, अब एक दिन पहले 7-8 रजिस्टर को देखिए कोई पैनिक करेगा कि नहीं करेगा? मैडम बिल्कुल करेगा सर। तो यही है मैम कॉन्सेप्ट हैंडबुक। अब देखिए कॉन्सेप्ट हैंडबुक का मोटिव ये है, अब मैं बच्चों को यहाँ दिखाई मैम सब कुछ बच्चे को मैं क्लास में पढ़ाऊंगा और इसी नोट्स को रेफर करते हुए बच्चों को सब कुछ यहाँ पर लिखते हुए चलना है। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी देखिए, हर चीज बच्चे को यहीं पे लिख के चलनी है। अब यहाँ पे आप स्टैटिस्टिक्स की बात करें, हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो बच्चे को यहीं पे सारी चीजें लिखनी है, यहीं पर पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। ये किताब मैंने ऐसी लिखी है कि एग्जाम के एक दिन पहले बच्चे पूरे कॉन्सेप्ट्स को मात्र 5 से 6 घंटे में पूरे पन्ने पलट के सारी चीजों को रिवाइज कर सकें। अब आप बताइए जब आपके पास एग्जाम के एक दिन पहले सिर्फ एक किताब पढ़ना रहेगा आपको पन्ने पलटने, वो भी 316 या 360 पेज की किताब है, क्या आपको कोई चैलेंजिंग लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं सर। सो दिस इज, ये बैच मेरे इसलिए भी खास है क्योंकि मैं अपनी सारी रिसर्च जो मैं चाहता था आने वाले दिन में, और भी बहुत रिसर्च है, रिसर्च इज नेवर एंडिंग फॉर अ टीचर, बट जो अब तक की मेरी सोच थी कि यस बच्चों को एक अपने आप क्वेश्चन करने की हैबिट होना चाहिए, वो नए क्वेश्चंस को देख के पैनिक ना करें, वो डीपीपी मैंने इंप्लीमेंट कर दी। कॉन्सेप्ट हैंडबुक जहां पे इररिलेवेंट राइटिंग से मैं बच्चों का टाइम बचाऊंगा, सिर्फ रेलेवेंट चीजें मैं लिख रहा हूं क्लास में, बच्चा भी लिख रहा है, टाइम की सेविंग भी होगी और बच्चों के पास एक बहुत ही जबरदस्त यूनिफाइड नोट्स आएंगे कि यस यही मेरा स्टैट्स है, यही मेरा एलआर है, यही मेरा मैथ्स है, इसी के अंदर रेलेवेंट क्वेश्चंस है। और साथ ही साथ हमारी मेन बुक जहां पर ये थोड़ी मोटी किताब है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस 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 हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर आज का, हमारे खास यही है हमारे पास। और इसके अलावा कोई और क्वेश्चन मैडम? सर ये डीपीपी क्या हम सबको डेली? यस मैं बता दूं, ये डीपीपी अभी जो मैम यहाँ पे दिख रही है, आज का जो काम चल रहा है, दिस इज ऑल अबाउट जितने बच्चों ने अब तक एनरोलमेंट किया था, सफल बैच और विजेता बैच जो चल रहा है उनको ये डीपीपी सर्कुलेट हो जाएंगी आज। इसके साथ साथ जो बच्चों ने लाइव एडमिशन लिया था, जो सेंटर्स पर पढ़ रहे हैं, ये देखिए ये बहरामपुर सेंटर और अलवर सेंटर की किताबें पैक हो गई मैडम कार्टून में। तो ये पूरा डिस्पैच हम आज यहाँ से कर देंगे। शुभम हो जाएगा पूरा डिस्पैच, कुछ रुकेगा तो नहीं आज? शुभम का कहना है कि आज पूरा डिस्पैच संभाल लेंगे, ये कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा यदि किसी का पार्सल नहीं पहुंचता है तो मुझे व्हाट्सअप ना करें, शुभम सर इज रिस्पॉन्सिबल। और यदि कोई टेक्निकल इशू आता है तो मैडम इज रिस्पॉन्सिबल। सो दोस्तों ये हमने पूरा काम हम समेट देंगे और सी यू आफ्टर 2 डेज, 2 दिन के बाद ये क्लास सभी के पास डीपीपी होंगी, कॉन्सेप्ट हैंडबुक होगी, तो मैं भी बहुत एंजॉय करूंगा पढ़ाने के लिए।
सो सी यू इन द बैच. अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए थैंक यू एंड बाय दोस्तों.